नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। इन दिनों कोरोना काल के चलते जहां पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद के लोगों सहित कई कोरोना वॉरियर्स लगातार घर घर पहुंचकर सेवा कार्य कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अन्य तरह से कोरोना की विपदा में आमजन का साथ निभा रही हैं। जी हां, इसी कड़ी में सांवेर में डॉक्टर शेखर बिल्लोर एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से सांवेर की जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट में भला वे कैसे पीछे रहते। डॉक्टर बिल्लोरे का कहना है कि कोरोना के प्रति जागरूकता के साथ वे अपना मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं। सांवेर में बीते माह एक मेडिकल संचालक के कोरोना चपेट में आने से डर तो उन्हें भी लगा, लेकिन वे सेवा कार्य करते रहे। डॉक्टर बिल्लोरे के मुताबिक कई बार गरीब व जरूरतमंद लोगों के पास पैसे नहीं होने पर वह मुफ्त में दवाइयां देते हैं। डॉक्टर बिल्लोरे ने कोरोना काल में जनसेवा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की और अधिकारियों को सांवेर को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद दिया। सर, किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में भी लोगों की? सर, अभी हमारे यहाँ सभी वर्ग के पेशेंट वगैरह आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, पैसे वाले भी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से जो भी सेवा हो रही सब मतलब पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ लोग गरीब भी आ रहे जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो हमारी तरफ से भी जो भी सेवा हो रही है वो कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, सबको दूर दूर खड़े कर रहे हैं, और अभी बीच में थर्माकोल की मशीन भी लाए तो टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे सर्दी खांसी के पेशेंट को तो नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पर, सरकारी हॉस्पिटल में ही भेज देते सीधे दूर से बात करके भी क्या हो रहा है। ज़्यादातर उल्टी दस्त पेट दर्द वाले ही पेशेंट को दवाई वगैरह दे रहे हैं हम लोग। सांवेर में एक मेडिकल व्यवसायी कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद आप किस तरह से जागरूक हो गए हैं सर? आपके मेडिकल चला रहे हैं। सर, हम लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोगों ने किट वगैरह का इस्तेमाल किया है, और मतलब पेशेंट वगैरह जो भी आते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के मतलब उसका पालन कर रहे हैं, और दवाई वगैरह लेने के लिए भी कोई आते तो पहले से जानकारी लेते हैं कि आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, और बाकी मार्केट से परचेसिंग वगैरह करने के लिए भी हम दूरी बनाए रख रहे हैं, और हर आदमी को सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं हम लोग। सर, देखने में आ रहा है कि कई मेडिकल स्टोर वाले बिना पर्ची के दवाइयां दे देते हैं जी, और फिर उसके साइड इफेक्ट भी देखने में आते हैं, तो आप क्या राय है इसमें? हाँ सर, वो थोड़ा सा गलत है। हम लोग तो जैसे डॉक्टर्स की पर्ची वगैरह आती तो ही दे पाते। कुछ लोग जैसे किसी को मालूम रहता है कि भाई प्रेगनेंसी में क्या टेबलेट देनी रहती है, तो वो थोड़ा सा गलत रहता है, थोड़ी सारी डिटेल्स वगैरह लेके ही गोली दवाई देने चाहिए। आपके पास किस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं अभी कोरोना काल में? सर, ज़्यादातर तो बीपी वाले हो गए, उल्टी दस्त वाले, घबराहट वाले बहुत ज़्यादा हैं, हल्का फुल्का थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, इस टाइप से ही पेशेंट आ रहे हैं। सर, सभी सांवेर की जनता को धन्यवाद, हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी है यहाँ सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, डरे नहीं, और हमको इस जिससे जितना है वो जितना भी हो सके सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर, और गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, जो भी अच्छी चीज़ दवाई वगैरह है उसका इस्तेमाल करें, और सबसे चीज़ है कि बाहर घूमे नहीं, अपने घर में ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सांवेर प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सांवेर प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा साहब ने, एसडीएम साहब ने, सब जितने भी मतलब अधिकारी उच्च वर्ग के सभी, और जो भी जितने भी वर्ग सब लोगों ने बहुत अच्छा, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सपोर्ट रहा है, यहाँ पर रात दिन गाड़ी घूमती है यहाँ पर, और बहुत अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है सभी का, सबके लिए बहुत अच्छा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया अभी तक यहाँ पर किसी ने भी, सबको समझाते रहे, मैडम वगैरह आती उन्होंने भी सबका सपोर्ट किया यहाँ पर, सबको समझाई दे, घर घर जाके समझाई दी सब लोगों को। आपका परिचय? मैं सर डॉक्टर शेखर बिल्लोरे जनरल प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे सांवेर में, और मेडिकल चलाता हूँ आर्यन हॉस्पिटल के नाम से, आर्यन मेडिकल। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।